तो पांच गया है, छठवां का नंबर दिल्ली में है, 11 है, 8 तारीख को चुनाव, 11 को गिनती होगी, 11 को जब गिनती होगी तो ये दिल्ली भी चला जाएगा, 2022 के पहले और स्टेटों का अगर चुनाव हो गया तो वहाँ भी ये चले जाएंगे, और 2022 में उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, आज इस जगह मैं कह रहा हूँ, सूबे के मुख्यमंत्री को वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो। देखिए सच तो ये है कि आप जिस कमिश्नरी में हम लोग खड़े हैं, सूबे के मुख्यमंत्री की राजनीति हिंदू मुसलमान पे होती थी, सूबे के मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करते थे, आपके गोरखपुर मंडल में और बस्ती मंडल में, ये जीता जागता उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा करके राजनीति की है। ये सिर्फ जो ड्रामा कर रही है, ये सिर्फ हिंदुओं को लामबंद करके वोट लेने की बात है। संविधान कहता किसी को कोई देश से निकाल नहीं सकता। अगर इनकी NRC पे चर्चा करिए तो आपके बस्ती जनपद में ऐसे गरीब हैं जिनके आज तक बसने के लिए जमीन तक नहीं है, जो भारत के नागरिक हैं। आज ऐसे लोग 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो घुमंतू जातियाँ हैं, जो एक जगह स्थायी नहीं है, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, ये कहाँ निकाल के ले जाएंगे, कौन सा देश एक्सेप्ट करेगा। ये सिर्फ बकवास है, ये सिर्फ अपनी कमी को छुपाने के लिए तरह तरह के ड्रामा कर रहे हैं।